बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मी मोहम्मद वली रंजम एंड आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। स्टूडेंट, द वर्ड टेली ऑलवेज इंडिकेट्स अस दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली डिस्कस समथिंग व्हिच इज फार अवे। जैसे हम कहते हैं टेलीफोन, टेलीग्राम, लाइक टेलीस्कोप, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। Which is used to view distant objects like stars, planets, is called एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। स्टूडेंट, अगर हम इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहां पर भी हमारे पास दो डबल कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल हो रहे हैं, टू डबल कॉन्वेक्स लेंसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टूडेंट, एक को हम नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को हम नाम देते हैं आईपीस। बिल्कुल जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, यहां पर भी दो लेंसेज हैं। तो ऑब्जेक्टिव लेंस को हम इस तरह से डिफाइन भी कर सकते हैं, द वन व्हिच इज टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस का नाम देते हैं। और आईपीस की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे द वन व्हिच इज टुवर्ड आई। स्टूडेंट, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें इस केस में, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा इस केस में, इसको हम कंसीडर करेंगे ये थिन है और हमारा ये जो आई पीस है ये थिक है। और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं, मैं यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लिख भी देता हूं कि ये हमारे पास थिन है और आईपीस के लिए हम लिख देते हैं कि ये ठीक है उत्तर, ताकि इस थीम पॉइंट से हमने ये बात समझी हुई है, पढ़ी हुई है कि लार्ज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और इस थिक से हमने ये बात पढ़ी हुई है स्मॉल फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ये हमें बेसिकली इन पॉइंट्स के बारे में बता। हमारे पास एक टर्म है जिसे हम नाम देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। स्टूडेंट, जब कभी भी हम अपने टेलीस्कोप की नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम इस आईपीस की जो फोकल लेंथ है और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और जो हमारे पास आईपीस की फोकल लेंथ है, वो अगर ठीक किसी एक ही पॉइंट पर हम ये कहते हैं कि मीटअप होनी चाहिए। जब वो अगर ठीक किसी एक ही पॉइंट पर होंगी तो हम कहेंगे कि वो हमारे टेलीस्कोप की क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इन नॉर्मल एडजस्टमेंट
ओ यानी के फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड एफ ई यानी के फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड लाई एट सेम पॉइंट, उन दोनों को एक ही पॉइंट पर लाई करना चाहिए। ये हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है किसी भी टेलीस्कोप की। स्टूडेंट ये हमारे पास नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात होगी। अब हम इसी तरह से कहते हैं कि हमारे पास एक टर्म है, इसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप से क्या मुराद है? जब हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ वाला पॉइंट और आईपीस की फोकल लेंथ वाला पॉइंट बेसिकली एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों का जो सम होता है वो बेसिकली क्या कहलाती है? लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कहलाती है। सम ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, जिसको हम स्टूडेंट किस तरह से लिख सकते हैं? जिसे हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। ये हमारे पास एक इक्वेशन बना लें, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम भी दे लेते हैं। स्टूडेंट इसी तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो टेलीस्कोप होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक को हम यहां पे जिसकी डिस्कशन कर रहे हैं मैं यहां पर ही लिख देता हूं। पहली जो हमारी जो टाइप में से है इसकी वो होती है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और जो सेकेंड टाइप है वो हमारे पास है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। स्टूडेंट ये जो रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग का कॉन्सेप्ट है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्टिंग के लिए बेसिकली हम इस्तेमाल क्या कर रहे होते हैं? लेंजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि हम यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर देख रहे हैं, हमने लेंजेस इस्तेमाल किए हैं ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस। इसी तरह से जो रिफ्लेक्टिंग होती है इनके लिए हम मिरर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्टूडेंट आप अपनी बुक पर ये देख सकते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बाद जो नेक्स्ट पेज आता है तो उस पेज पर रिफ्लेक्टिंग टाइप लिखा हुआ है, डायग्राम बनी हुई है, रिफ्लेक्टिंग टाइप लिखा हुआ है और उसके अंदर हमारे पास मिरर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अभी उनकी डिस्कशन नहीं कर रहे, सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बात थी तो ये मैंने साथ ही यहां पर प्लेस कर दी। तो अब स्टूडेंट अगर हम इसकी वर्किंग को देखें कि हमारे पास बेसिकली ये जो टेलीस्कोप है ये काम किस तरह से कर रही होती है, तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं फिर हम वो लिख लेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो बेसिकली क्या करता है? चूंकि ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूरी पर होता है इसलिए हमने यहां पर लिखा है कि उससे जितनी भी रेज आ रही होती है, रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी, वो पैरेलल बीम की फॉर्म में या रेज की फॉर्म में आएंगी। वही जो पैरेलल रेज हैं जब वो इस लेंस में से पास करती हैं, इसीलिए तो हमने कहा है कि इसकी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ भी ज्यादा होनी चाहिए और इसे थिन भी होना चाहिए।
तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये रिफ्रैक्ट होंगी। अब यहां पर बुक में उसने वर्डिंग लिखी हुई है कि ये रेज इस ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास करने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, और इनकी रिफ्रैक्शन के बाद ये जिस पॉइंट पर बेसिकली मिल रही हैं, ये एक्चुअली वही हमारा पॉइंट है जो हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पॉइंट था, जिसमें हमने कहा था कि फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव और आईपीस एक ही पॉइंट पर होनी चाहिए। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट। यहां पर हम कहते हैं कि इमेज हमारा बनता है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि वो हमारे पास मून है फॉर एग्जांपल, तो हम कहते हैं कि उसका जो यहां पर इमेज बनेगा, ये बात हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी पढ़कर आ गए हैं कि उस इमेज को हम नाम देते हैं कि वो हमारा इंटरमीडिएट इमेज होगा। और वो जो इमेज होता है वो हमारे पास, हम ये कहते हैं कि रियल इमेज होता है, इन्वर्टेड होता है और डिमेंस्ड होता है। ये सारी जो डिटेल्स हैं ये हम आगे लिख भी लेंगे। और यही जो इंटरमीडिएट इमेज होता है ये हमारे आईपीस के लिए अपीयर होता है एज एन ऑब्जेक्ट, ये बात हम पढ़ चुके हैं। और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जब यहां पर हम इस आईपीस के जरिए से इसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो जितनी भी रेज, अगर हम रे डायग्राम के उसी प्रिंसिपल की बात करें जो हम हर दफा से पढ़कर आ रहे हैं, उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ था कि हमारे पास जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरेगी वो सीधी चली जाएगी, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर के अलावा पैरेलल टू द एक्सिस होगी वो बेंड हो जाएगी, और यहां पर भी देखेंगे ये बेंड हो जाती है। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आता है कि चूंकि ये जो रेज है ये तो पैरेलल रेज है, ये तो कभी भी नहीं मिलेंगी, और अगर ये नहीं मिलेंगी तो जैसे हमने लास्ट केस में पढ़ा था कि हम ये देखें, तो इनको अगर हम एक्सट्रापोलेट करें तो हमारे पास यहां पर जो हम कहते हैं फाइनल इमेज होगा, वो स्टूडेंट हमारा फाइनल इमेज फिर कहां पर बनेगा? वो फिर हमारा फाइनल इमेज बनेगा इंफिनिटी पर। जैसे हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था, वो फाइनल इमेज भी इंफिनिटी पर होगा। अब ये तो इसकी वर्किंग थी जो मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब मैं इसको लिख भी लेता हूं ताकि आप लोगों को ये पॉइंट्स पता भी होंगे किस तरह से लिखने हैं। जी स्टूडेंट, अभी ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि हमारे पास ये यहाँ पर जो इंटरमीडिएट इमेज था जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का था, ये रियल भी है, इन्वर्टेड भी है, डिमेंस्ड भी है। और ये बात जो वर्किंग में हमने पढ़ी थी कि पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो हमारे पास डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ये बेसिकली क्या करती हैं, ये हमारे पास रिफ्रैक्ट भी करती हैं इस ऑब्जेक्टिव में से पास करने के बाद, और कन्वर्ज करके हम कहते हैं कि फोकस पर जाकर इकट्ठे होती हैं, और जो हमारा इमेज बनता है ए डैश बी डैश वो हम यहां पर लिख भी देते हैं, ए डैश बी डैश ये हमारा इमेज है बेसिकली, जिसको हमने इंटरमीडिएट इमेज का नाम दिया था। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमारे पास जो उस इंटरमीडिएट इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है इस आईपीस के जरिए से, ये जहां पे हमारा ये जो आईपीस है, ये जो आई पीस है ये कंसीडर करता है उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, और उस सॉरी इंटरमीडिएट इमेज को एज एन ऑब्जेक्ट, और जब वो उसको एज एन ऑब्जेक्ट कंसीडर करता है दिस रियल इमेज एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट, यहां पर ये देखिए हमने ये पॉइंट लिखा भी हुआ है, फॉर आई पीस एंड वर्चुअल एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये रेज फिर जो है ये चूंकि पैरेलल है ये तो इन्फिनिटी पर ही हम कहते हैं कि मीटअप करेगी, तो लिहाजा हमारे पास इसी की जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर है वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है देख लेते हैं।
आप स्टूडेंट जैसे हमने ये बात पिछले टॉपिक में भी पढ़ी है कि मैग्नीफाइंग पावर को हम क्या लिखते हैं, बीटा ओवर अल्फा। और बीटा के लिए मैंने आपको बताया हुआ, बीटा बेसिकली क्या है, एंगल मेड बाय फाइनल इमेज एट आई, और इसी तरह से जो अल्फा है उसको भी हमने पढ़ा हुआ है, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। स्टूडेंट हमने फिर एक और बात भी पढ़ी है कि जब हमारे पास एंगल स्मॉल होता है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल, जो हमारा रिजल्ट होगा, बीटा की जगह पर हम टेंजेंट बीटा लिख सकते हैं और अल्फा की जगह पर टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं। अब अगर हम टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा की बात करें तो यहां पर हमने ये एंगल अल्फा देखें और यहां पर ये अल्फा, बेसिकली ये तो ऑब्जेक्ट के साथ हमारा जो एंगल हॉरिजॉन्टल या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो बन रहा है उसको हम कहते हैं, लाजमी नहीं है। देखें ये हमने जो कुछ रेज दिखाई हुई है यहां पर, ऐसी भी कुछ रेज हैं जो हमारे इस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं और आई के साथ जो बना रही हैं एंगल, उसको हम फिर अल्फा का नाम देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। और इस केस में फिर अगर हम इसको अल्फा कह रहे हैं तो ये भी अल्फा होगा। और ये स्टूडेंट ये हमारे इस ऑब्जेक्ट का ये क्योंकि इमेज बन रहा था जिसे हमने इंटरमीडिएट इमेज कहा था, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ए डैश ओ बी डैश, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बनी, ए डैश ओ बी डैश। अब स्टूडेंट ये यहां पर देखिएगा, मैं इसको बना भी देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि ये हमारे पास वो ट्राइंगल है, ठीक हो गया। और अगर हमारा ये रिजल्ट देखा जाए जिसको हमने ए डैश बी डैश और ये ओ और ये एंगल अल्फा, स्टूडेंट अगर आप इस ट्राइंगल में ए डैश ओ डैश बी डैश ट्राइंगल के अंदर अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो टेंजेंट अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, टेंजेंट अल्फा हमने पढ़ा हुआ है टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर इसमें क्या है, अल्फा के सामने वाली ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, जिसके साथ इसका 90 का एंगल बनेगा वो बेस होगी, और 90 के सामने वाला जो एंगल होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज का नाम देते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें स्टूडेंट तो हमारा इस ट्राइंगल से जो रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट अल्फा परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश या ए प्राइम बी प्राइम, और बेस के लिए अगर हम देखें तो वो हमारे पास ओ बी प्राइम। ये बेसिकली क्या है, ये हमारी यहां से आप देख सकते हैं फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, मैं लिख भी देता हूं ओ बी प्राइम ए प्राइम बी प्राइम और ओ बी प्राइम की जगह पर एफ ओ। और इसी तरह से स्टूडेंट अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें ए डैश बी डैश और ओ डैश, तो इसको भी यहां पर हम अगर बना रहे हैं, ये देखिएगा ए डैश बी डैश और ये हमारे पास जो ट्राइंगल बनेगी ये लेंगे स्टूडेंट, जिसको हमने यहां पर इस एंगल को नाम दे दिया, ये हमारे पास बीटा का एंगल है ये बीटा, और ये ए डैश बी डैश और इसके सामने फिर ये परपेंडिकुलर, ये फिर एंगल 90 को बेस और ये हाइपोटेन्यूज। और अगर इस ट्राइंगल में देखें, इस ट्राइंगल को हम नाम देंगे ए डैश ओ डैश बी डैश, और इसके अंदर अगर हम टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालें तो स्टूडेंट अगेन वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, और इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर है वो फिर हमारे पास क्या है ए डैश बी डैश, और बेस इसमें क्या है हमारे पास ओ डैश बी डैश, और उसे हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश ओवर ओ डैश बी डैश की जगह पर हम देखें हम उसे क्या लिखेंगे कि वो हमारे पास आई पीस की फोकल लेंथ है। तो स्टूडेंट इन दोनों वैल्यूज को अगर हम यहां पर पुट कर दें, यानी कि हमने कहा था जब वैल्यू ऑफ थीटा स्मॉल होती है तो हम इसे लिख सकते हैं ये टेंजेंट बीटा है और ये टेंजेंट अल्फा है। स्टूडेंट यही वैल्यूज अगर हम यहां पर पुट कर दें, हम इसको रेज थोड़ा कर लें और मैं ये थोड़ा पॉइंट ऊपर लिख लेता हूं,
जिसको हमने कहा था स्मॉल वैल्यूज ऑफ एंगल के लिए बीटा की जगह पर टेंजेंट बीटा और अल्फा की जगह पर टेंजेंट अल्फा लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये देख लें जो टेंजेंट अल्फा है और टेंजेंट बीटा, इसकी वैल्यूज हमने निकाली। टेंजेंट बीटा हमारे पास क्या है, ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ पी डिवाइडेड बाय, टेंजेंट अल्फा क्या है, ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ ओ, तो ये आ जाएगा 1/FE ओवर 1/FO। और अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो 1/FE ऐसे और ये 1/FO इन्वर्ट हो गया, एफ नॉट ओवर 1 बन जाएगा। और हमारे पास स्टूडेंट जो फाइनल रिजल्ट आएगा मैग्निफिकेशन का, वो क्या आएगा, एफ नॉट ओवर FE। स्टूडेंट ये हमारे पास फाइनल मैग्निफिकेशन का रिजल्ट आया, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। और अगर हम देखेंगे हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये रिजल्ट है, तो इससे एक बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि जो मैग्निफिकेशन है वो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आईपीस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप यहां से ये समझिएगा बात कि इसका मतलब है फिर आईपीस की फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लार्ज होगी तो मैग्निफिकेशन ज्यादा होगी स्टूडेंट। और इसी तरह से हम ये कहते हैं कि अगर आईपीस की स्मॉल हो तो हमारा मैग्निफिकेशन फिर भी लार्ज होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा इसका रिजल्ट बनता है। और जो हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की है वो मैं आपको पहले लिख करके बताऊंगी, आखिरी पैराग्राफ में आप देखिएगा तो बुक में ये लिखा हुआ है कि आईपीस की जो फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है ये अगर सेम पॉइंट पर लाई करेंगी तो हम ये कहते हैं कि वो हमारी नॉर्मल एडजस्टमेंट है। और इस केस में जब हम ऑब्जेक्ट को देख रहे होंगे और उसका जो फाइनल इमेज हमें नजर आएगा उसको देखते हुए हमारी आंखों पर कोई स्ट्रेन नहीं होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को उन तमाम पॉइंट्स को जिनको हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।